अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है, जब अपडेट करने के लिए कोशिश करते हैं फिर दोस्तों ये पेंडिंग में रहता है और क्लोज हो जाता है, अपडेट नहीं होता है। और दोस्तों क्रोम ब्राउज़र में भी यहाँ पर अपडेट अवेलेबल आया है लेकिन अपडेट नहीं होता है। यहाँ पर अपडेट क्रोम न्यूअर वर्जन इज़ अवेलेबल, जब क्लिक करते हैं फिर प्ले स्टोर पर ले आते हैं, फिर अपडेट करने के लिए कोशिश करते हैं फिर अपडेट नहीं होता है। तो दोस्तों इसको आप लोग कैसे अपडेट कर पाएंगे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, मैं पूरा प्रोसेस अभी मेरा मोबाइल की स्क्रीन में करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से सिंपली आपको ये जो ओपन का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना होगा और जो क्रोम ब्राउज़र है वो खोल जाएगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा क्रोम लेटेस्ट अपडेट APK। मैंने यहाँ पर एक बार कोशिश की थी तो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा क्रोम लेटेस्ट अपडेट APK डाउनलोड और यहाँ पर सर्च करना होगा। और दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आना होगा, ये जो क्रोम 9.91.0.4472.77 का जो फाइल है इसको आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं फिर नहीं होता है, क्योंकि मैंने इससे भी कोशिश की है। मतलब ये है कि जो लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा, वरना जो वर्जन आपका फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है अगर उससे भी डाउनग्रेड में आप आएंगे फिर दोस्तों वो ऐप्स इंस्टॉल नहीं होगा, आपको अपग्रेड में जाना होगा आपको। तो इसीलिए दोस्तों ये जो वर्जन है यही लेटेस्ट है, तो मैं इसको अभी डाउनलोड करूँगा और उसके बाद में आपको दिखाऊँगा कि इसको कैसे करते हैं। तो मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया और यह से डाउनलोड APK 97.7 MB का फाइल है ये, तो यह पर यह डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है इसीलिए इसमें बहुत टाइम लगेंगे, इसलिए दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ जब तक ये डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकता है हमारा जो फाइल है और सिर्फ 16 सेकंड बाकी है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों डाउनलोड होने के बाद में आपको इंस्टॉल तो करना होगा और उसके बाद में क्या क्या करना होगा वो भी दिखाऊँगा। तो ये डाउनलोड हो ही गया, बस 6 सेकेंड बाकी है अभी, तो पहले डाउनलोड होने तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। तो डाउनलोड हो गया है दोस्तों, अभी इसको बस आपको इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करना होगा। इंस्टॉल पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर इंस्टॉलिंग दिखाया है, सब कुछ क्लोज हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिखाया है ऐप इंस्टॉल्ड, यानी इंस्टॉल हो गया है। तो अभी हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसका अपडेट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपडेट का ऑप्शन आया था वो भी चला गया। और प्ले स्टोर में जाके अब हम दिखाते हैं कि ये अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये पहले से ओपन किया हुआ था, दोबारा सर्च करेंगे गूगल क्रोम और यहाँ पर देख सकते हैं कि अपडेट का जो ऑप्शन था वो नहीं है अभी। मतलब ये जो ऐप है हमारा अप टू डेट हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।